जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की उपस्थिति में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिनगा में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया तथा नवजात शिशुओं की माताओं को अंगवस्त्र व उनके परिजनों को बेबी किट व मिष्ठान वितरित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि लड़का लड़की में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार समाज व देश का नाम रोशन करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात को बराबर करना है। कन्या जन्मोत्सव का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है तथा समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बेटियों को जन्म लेने और कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक जघन्य अपराध रोकने के उद्देश्य से जन जागरूकता हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बालिकाओं के अभिभावकों से कहा वे अपने बालक और बालिका में किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हुए दोनों को आगे बढ़ाने का सम्मान अवसर प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा का यह पूरा मामला है, जहां पर आज कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कन्या जन्मोत्सव मनाकर समझाया बेटियों का महत्व। लड़का लड़की में न करें भेदभाव, सभी को दे समान अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला, जहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर अभिभावकों को दी गई सलाह। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। अभी सभी लोगों को खिला दिया है।